बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि आज़रबाईजान का ई वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहले हम जाएंगे आज़रबाईजान की ई वीज़ा वेबसाइट पर। ई वीज़ा वेबसाइट खोलेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि वेबसाइट पर हमको शो हो रहा है एप्लीकेशन पेमेंट एंड डाउनलोड। हम क्या करेंगे इसके बाद, हम एप्लीकेशन पे ए जाके एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। देखें एप्लीकेशन खुल गई है। इस पे अब ये यहाँ पे आ रहा है नेशनलिटी। हम अपना नेशनलिटी को यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान। ऑर्डनरी पासपोर्ट और ये कोड जब हमने क्लिक किया तो उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट आएगा, उस पर हम लिखेंगे टूरिज्म और डेट, स्टार्टिंग डेट। देखें जैसे डेट शो हो रही है, उसके बाद हम ये हमारी स्टार्टिंग डेट और महीने वीज़ा एक्सपायर डेट शो कर रहा है। उसके बाद वीज़े की फ़ीस है $20 और $4 है अदर सर्विसेज फ़ीस। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे है तो देखें हमारे पास अभी फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, इन सब तमाम चीज़ों को फिल करना है। जब हम ये फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेंगे उसके बाद हमने ब्रोज़ में जाके अपना पासपोर्ट पासपोर्ट अपलोड करना, स्कैन किया हुआ क्लियर पासपोर्ट कॉपी यहाँ पे हमने अपलोड करनी है। जैसे ही हम कॉपी अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे फिर हमें अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। जैसे हम ईमेल एड्रेस कर लेंगे तो फिर हमें नीचे ओके का बटन दबाना है। जैसे ही ओप करेंगे तो वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा, चेक कर लें कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो फिर उसको क्लिक करके सही कर लें, फिर हम उसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे देखें लिखा हुआ आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। तो इसके बाद हम इसको जैसे ही ओके करेंगे हमने इसको ओके कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे ईमेल पे आ जाएगा, जो हमने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में ईमेल डाला होगा उस पे ये मेल आ जाएगा। इस पे जैसे ही हम अप्रूव में ओके करेंगे तो वापस वही वेबसाइट खोल जाएगी। देखें इसमें लिखा हुआ डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे इसमें अब दो ऑप्शन आ गए, हमने वीज़ा फीस भर जो भी है वेरीफाई हो गया हमारा डेटा हमारे ईमेल से, तो अब हम इसको पेमेंट करेंगे लास्ट ऑप्शन। अब ये लास्ट ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड, एटीएम या किसी भी चीज़ से बहुत आसानी इसकी हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम ये सब फिल कर देंगे हमारी पेमेंट हो जाएगी तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, हमारा वीज़ा 3 दिन में हमारे ईमेल पर खुद ब खुद आ जाएगा। देखें नाज़रीन 3 या 4 या 5 मिनट में घर बैठे आज़रबाईजान का ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है।